Record, share, screen. This is minimize. Now this is done. Okay. Now the world. Hello, students. Uh, good evening, and uh, and uh, good morning. So uh, it's it's time. I'm recording. This time is recording. Time is good evening. So it's good evening, and uh, as I told you. की लेक्चर सीरीज हमारी चल रही है वर्चुअल इंस्ट्रूमेंटेशन के ऊपर और कई सारे क्लासेस में ले चुका हूं आ, मैं इस, इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं बिकॉज़ मैंने आपसे डिस्कस किया था कि मुझे कुछ चीजों को शो करने के लिए रिकॉर्डेड वीडियो करना पड़ेगा इसलिए मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं हालांकि मैं इसको लाइव भी कर सकता हूं लेकिन बहुत सारी चीजें इसमें टाइम रहेगी लेकिन जो इस वीडियो का रिकॉर्डिंग है उसको हम लैब जो लेक्चर रहेगा उसमें डिस्कस कर लेंगे बिकॉज थोड़ा सा लैपटॉप इशू है इसलिए मैं जो है लाइव क्लास में इसको नहीं ले पा रहा हूँ so, करूंगा मेरा यूट्यूब चैनल का जो लिंक है वो ग्रुप में आपको मिल जाएगा तो उसके थ्रू आप इसको शेयर कर सकते हैं तो डिस्कशन चल रहा था मैंने आपसे डिस्कशन किया था लैब व्यू जो वर्चुअल इंस्ट्रूमेंटेशन में मैंने आपसे बताया था कि लेब व्यू MATLAB, Xilinx, और एक और मैंने आज ही एक मेरे फ्रेंड है उनसे डिस्कस किया उन्होंने बताया आ, क्या बोलते हैं आ, किंडर आ, टिंकर कैड यस टिंकर कैड टिंकर कैट तो आ, इसको आप देख लीजिए टिंकर कैड ये ओपन हो रहा है टिंकर कैड दिस इज ओपनिंग सो बहुत सारी चीजें इसमें लगी हुई इसलिए yeah. तो, uh, जब आप वीडियो को बिल्कुल प्ले करके भी देख सकते हैं बिकॉज में आपको चीजें यहाँ पे uh, कुछ सही चीजें दिखाने वाला हूँ इसलिए मुझे रिकॉर्ड करके वीडियो बनाना पड़ रहा है बाकी ये लेक्चर में भी हो सकता है तो जो भी आपके डाउट हो आप मेरे से लेक्चर में डिस्कस कर लीजिएगा ठीक है तो यस अः जो जो अः तो मैंने आपसे डिस्कस किया व्यू मैटलेब ज़ाइलिंग्स और एक और वर्चुअल टूल है जिसका नाम है टिंकर कैड ठीक है तो आज मैं आपसे ज़ाइलिंग्स तो ये बेसिकली आपका मेमोरीज के लिए होता है डिजाइनिंग के लिए होता है ये चारों डिजाइनिंग टूल्स हैं बेसिकली तो मैं आपसे आज जो है लेव और टिंकर कैट इन दोनों का डिस्कशन करूंगा ठीक है टिंकर uh, कैड क्या है और लेव्यू मैटलेब और जैलिंग्स को आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं लेकिन फिलहाल जो मैंने टू कवर अप टॉपिक फॉर दी वर्चुअल इंस्ट्रूमेंटेशन आई एम टेकिंग फॉर दी टिंकर कैड एंड दी लेव्यू तो वन बाय वन सबसे पहले मैं आपको टिंकर कैड बताऊंगा टिंकर कैड को ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है ठीक है और इसको पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर एक ऐसा है जिसको डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है आप डायरेक्टली गूगल क्रोम ओपन कर सकते हैं आई शो यू ईच एंड जो भी मैं बता रहा हूं आपको रिकॉर्डेड uh, uh, है तो आप बड़े आराम से सुन सकते हैं इसको uh, जो भी सॉफ्टवेयर uh, है इसको अपन ओपन करेंगे गूगल में और ओपन uh, सोर्स uh, है तो इसको डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है बट अगर लेव्यू की बात करें इफ यू टॉक अबाउट द लेव्यू देन वी हैव टू डाउनलोड इट ऑल्सो तो मैंने लेव व्यू को भी डाउनलोड कर रखा है देखिए दिस इज माई लेव व्यू ठीक है ये लेव व्यू की स्क्रीन है जो मैंने आपको पीडीएफ शेयर किया था क्लास में वो पीडीएफ बिल्कुल अब आपको नजर आ रहा होगा कि uh, युगल सर क्या बताने की कोशिश कर रहे थे तो ये लेव व्यू का इवोल्यूशन सॉफ्टवेयर है ठीक है तो ये पूरा एंटायर रिकॉर्डेड वीडियो से आपको समझ में आ जाएगा कि वॉट इज द प्रोसेस इज गोइंग ऑन ठीक है अब दूसरी स्क्रीन आपको लेव uh, व्यू को और ये बता देता हूँ ये देखिए वर्किंग एरिया है

शेयरिंग it, it uh, प्लेटफॉर्म की मार्केटिंग नहीं कर रहा हूँ तोट सॉफ्टवेयर हो सकता है आपने पहली बार सुना होगा मैंने भी uh, कुछ टाइम पहले फर्स्ट टाइम ही सुना था तो अब मैं आपके सामनेट ओपन कर रहा हूँ हाफ वेव रेक्टिफायर Of wave rectifier with tinker cat. तो इस वीडियो का टॉपिक हम जो है आ, बोल देंगे कि इंट्रोडक्शन टू वर्चुअल इंस्ट्रूमेंटेशन हो जाएगा देखिए तो ये लिंक ओपन हो गया आप सभी के सामने आजकल तो आपने कई सारे YouTube, यूट्यूबर्स देखे होंगे खान सर एक यूट्यूब है उनका वर्चुअल प्लेटफॉर्म है वर्चुअल वोर्ड पे वो क्लासेस लेते हैं तो ये आजकल स्क्रीन रिकॉर्डिंग इतना बढ़िया है और मैं आपको बता दूं ये मैं जूम के थ्रू स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ हालांकि स्क्रीन रिकॉर्डिंग के भी सॉफ्टवेयर है अब देखिए ना कम टू द पॉइंट स्क्रीन रिकॉर्डिंग के भी सॉफ्टवेयर है बट स्टिल मैं इस मीटिंग को रिकॉर्ड करके जो है अपलोड करूंगा तो देखिए अब मैंने आपसे जो क्लास में डिस्कस किया था क्लास में क्या डिस्कस किया था uh, कि uh, जो आपके ये देखिए कुछ फ्लो आ रहा है तो उसको प्लीज अवॉइड कीजिएगा जाएगा बट प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड देखिए एरो पॉइंटर मैंने आपसे बोला था कि जो भी आप चीजें लैब में देख रहे हैं ठीक है आपने इलेक्ट्रॉनिक्स ईडी लैब देखा है जो भी आपके पर्टिकुलर टीचर हैं उसकी लैब में देखा है आपने और लैब में uh, आपने देखा

और ये क्या है बेसिकली इनपुट इसमें तीन टाइप के इनपुट दिखा रहे हैं एक तो ये स्क्वायर स्क्वायर वेव 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 है है दिस 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 इज 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 साइन एंड ठीक और ये एम्पलीट्यूड को डाउन करने का है और ये एम्पलीट्यूड के लेवल को इनक्रीज करने का है ठीक है तो हमने यहां पे क्या कर... और ये बेसिकली दिस इज दिस स्क्रीन इज एक्टिंग एज अ सीआरओ ओके दिस स्क्रीन इज एक्टिंग एज अ सीआरओ

इट इज सिमुलेटेड, ओके इसको आप एनलार्ज करके भी देख सकते हैं अब यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं, ओ हैं। अब देखिए सिमुलेट हो गया अब यहाँ पे देखिए इसकी फ्रीक्वेंसी भी डिनोट कर रहा है ठीक है इसकी फ्रिक्वेंसी को आप एडजस्ट भी कर सकते हैं देख ली मैं फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट कर रहा हूँ तो उसके साथ ऑटोमेटिकली आपकी जो वेव फॉर्म है वो भी एडजस्ट हो रही है ठीक है तो थोड़ा सा और कम करते हैं फ्रीक्वेंसी को अराउंड uh, uh, कुछ कुछ तो रस्टिंग तो की वजह से जो एक्चुअल पैरामीटर हम सेट करना चाहते हैं उसको नहीं सेट कर पाते हैं ठीक है लेकिन वर्चुअल इंस्ट्रूमेंटेशन में क्या होता है कि प्रोग्रामिंग के थ्रू सारी चीजों को सेट किया जाता है तो जब प्रोग्रामिंग के थ्रू चीजों को सेट करते हैं तो जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसको हम यहाँ पे विजुअलाइज कर सकते हैं ठीक है हालांकि देखिए प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग तो तभी आएगी जब आपको कंपोनेंट को आप रियलिटी में देखेंगे और उनकी एनालिसिस को वर्चुअली करेंगे तो आप परफेक्टली लेकिन खाली वर्चुअली चीजों को समझेंगे तो आप डिलीमा में चले जाएंगे कि एक्चुअल में हम आ, कहना क्या चाह रहे हैं तो प्राइमरी स्टेज में आपको सारे कंपोनेंट्स को प्रैक्टिकली देखना पड़ेगा फिर उसके बाद में जब आप प्रैक्टिकली कंपोनेंट्स को देख लेते हैं तो जब फर्दर सर्किट्स हम डिजाइन करते हैं देखिए वर्चुअल इंस्ट्रूमेंटेशन प्राइमरी सर्किट्स के लिए तो है ही लेकिन जो हायर लेवल के जो सर्किट्स होते हैं उनको डिजाइन करने के लिए हम जो है वर्चुअल इंस्ट्रूमेंटेशन के जो डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे टिंकर कैट की जिसकी हम बात कर रहे हैं कैट का मतलब आप जानते हैं कंप्यूटर डिजाइन तो ये टिंकर कैट है यहाँ पे इसकी एक खासियत है कि इसमें जो आ, जो कंपोनेंट्स जैसे होते हैं जो उनके सिंबल होते हैं वही सिंबल को यहाँ पे यूटिलाइज किया गया है तो ये बोर्ड है साफ नजर आ रहा है ये सीआरओ है ठीक है क्योंकि ये वेब को शो कर रहा है और देखिए ये ट्राइंग स्क्वायर मैंने डिनोट किया तो स्क्वायर का आउटपुट अलग आ रहा है ठीक है ये साइन है तो साइन का आउटपुट अलग आ रहा है ठीक है ये ट्रेंगुलर है तो ट्रेंगुलर का आउटपुट अलग आ रहा है और आप क्लियरली ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे कि ये मेरा आउटपुट है किसका हार्वेयर रेक्टिफायर का तो यहाँ पे देखिए ये बीच में गैप आ रहा है ठीक है, 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 है तो clearly, uh, ये साइन के देखिए फिर जीरो जीरो अंडरस्टैंडिंग दिस इज द आउटपुट ऑफ क्लास में पढ़ा हुआ अब मैं आपको जो नेक्स्ट uh, uh, जो वर्चुअल इंस्ट्रूमेंटेशन का सर्किट है एक और सर्किट आपको बता देता हूँ फुल वेव ट ये ओपन सोर्स है तो आप भी इसको चेक कर सकते हैं और एन नंबर ऑफ सर्किट इसमें गूगल पे दे रखे हैं और उनको आप चेकआउट कर सकते हैं दिस इज स्पेशली रिकॉर्डेड सेशन आप लोगों के लिए है हमारे स्टूडेंट इसी सेकेंड ईयर के लिए स्टूडेंट्स के लिए है ये तो फुल वेव रेक्टिफायर टिंकर कैट देखिए

ठीक है, ओके okay. अब ये सिमुलेट हो गया है ठीक है नाउ आई एम स्टार्टिंग द सिमुलेशन अब देखिए अब अब बिल्कुल जैसे ही क्लिक करते ही आपके दिमाग में फील आ गया होगा ये इसका इनपुट uh, है ठीक है इनपुट आपकी साइन वेव है मैं इसको ट्रेंगुलर करूंगा तो ये ट्रेंगुलर हो जाएगी ठीक है ये आपका स्क्वायर हो गया ठीक है देखिए करस्पॉन्डिंगली स्क्वायर हो गया ठीक तो है ये ट्रैंगुलर हो गया ठीक है ये साइन हो गया ठीक है तो दोनों इनपुट्स हैं ये आपके साइन हो गया अब यहां पे इस सर्किट को देखिए इसमें आउटपुट कैसा है जो कंप्लीट वेव फॉर्म आपकी आ रही है तो हर साइकिल जो है पॉजिटिव साइकिल में कन्वर्ट मतलब पॉजिटिव साइकिल तो पॉजिटिव आ रही है लेकिन नेगेटिव साइकिल भी पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गए तो यू आर क्लियरली अंडरस्टैंडिंग दिस इज द आउटपुट ऑफ द फुल वेव रेक्टिफायर तो ये जो येलो, येलो कलर की स्क्रीन है दीज टू एक्टिंग एज अ सी एंड दीज टू वन किलो वर्ट यहां पर लिखा हुआ है और वन किलोवर्ट्स यहां पर नीचे लिखा हुआ है दीज टू आर एक्टिंग एज अ फंक्शन जनरेटर दीज दिस इज दर्चुअल फंक्शन जनरेटर नंबर वन दिस इज नंबर टू एंड दिस इज टू सी आर ओ ये इनपुट के लिए है ये आउटपुट के लिए है या तो आप दो सीआरओ मान सकते हैं या फिर मल्टीपल स्क्रीन सीआरओ मान सकते हैं कैसे भी मान सकते हैं इसको so, डिजिटल में मल्टीपल स्क्रीन आने लगा है एनालॉग में दो इनपुट आते थे ठीक है और ये आपका ब्रेड बोर्ड पर सर्किट इंप्लीमेंटेशन है तो और इसकी फंक्शनैलिटी इंटरनली प्रोग्राम में डिसाइड की गई है कोडिंग में की गई है तो ये वर्चुअल इंप्लीमेंटेशन है किसका फुलवेर एक्टिफायर का अब मैं बैक में इसको देख लीजिए हाफ रेक्टिफायर यहाँ पे ही देखिए

रेक्टिफायर लगा के देखना है यहाँ पे दो रेक्टिफायर लगे हुए हैं देखिए ये दो रेक्टिफायर लगे हैं अब सपोज करो आपके दिमाग में एक आइडिया आया कि आई वॉन्ट टू अप थ्री रेक्टिफायर अब पॉइंट समझिएगा कि जब आप एक्चुअल लैब में काम करेंगे तो हो सकता है कि आपके पास में तीसरा रेक्टिफायर ना हो ठीक है लेकिन वर्चुअली में क्या होगा कि आपने सेटअप डाउनलोड कर लिया और सेटअप आपके पास में है तो उसमें तो केवल आपको सोर्स को कॉपी करना है तो तीसरा रेक्टिफायर आपके सामने आ जाएगा तो उस तीसरे रेक्टिफायर को आप चाहे इस वाले पॉइंट में लगाएं या आ, इस वाले पॉइंट में लगाएं आप क्या कर सकते हैं पूरे सर्किट की एनालिसिस को तीसरे रेक्टिफायर के साथ में जज कर सकते हैं तो ये जो आ, आ, चेंजिंग और सिंथेसिस की अप्रोच है ये वर्चुअल इंस्ट्रूमेंटेशन में ही पॉसिबल है हालांकि ये चीज पॉसिबल लैब में भी है लेकिन वहां पर थोड़ी सी ट्रबल हो जाती है ठीक है और परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग तभी आएगी जब आप प्रैक्टिकली लैब में भी देखेंगे और प्रैक्टिकली जो वर्चुअल इंस्ट्रूमेंटेशन है उसकी अप्रोच को भी यहाँ पे देखेंगे और बाकी जो सेंसर्स के पैरामीटर्स हैं वो तो मैंने आपसे डिस्कस किए ही हैं तो उन सारी चीजों के भी आप यहाँ पे देख सकते हैं ठीक है तो फ्रेंड्स स्टूडेंट्स uh, ये तो डिस्कशन था इज अबाउट दट यू से टिंडर ठीक है इट इज ओपन सोर्स टिंकर कैट ठीक है इट इज नॉट टिंडर इट इज टिंकर कैड ओके तो फर्स्ट सर्किट जो मैंने आपसे डिस्कस किया वो हाफ रेक्टिफायर का था सेकंड डिस्कस किया मैंने आपसे फुल uh, रेक्टिफायर का ठीक है अब मैंने आपसे जो तीसरा तीसरा जो uh, जो uh, दूसरा जो सॉफ्टवेयर मैंने आपसे डिस्कस किया है दैट इज लेव यू ठीक है तो लेव यू में काफी टाइम से डिस्कशन चल रहा है मैंने आपको पीडीएफ सेंड किए हुए हैं और uh, मैंने आपको बोला था कि डाउनलोड कर लीजिए तो हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स ने डाउनलोड कर लिया होगा कुछ ने नहीं किया होगा आप लोग के के एफर्ट्स ऊपर डिपेंड करता है नाउ बट मैंने इसको डाउनलोड किया है अब मैं आपको स्क्रीन पे बता देता हूँ किया है देखिए डाउनलोड करने पर ये वीआई पैकेज मैनेजर ये जो जो आपको ऑरेंज कलर का दिखाई दे रहा है ये पैकेज मैनेजर डाउनलोड हुआ था अब इसमें क्या होता है थोड़ा सा मैं आपको आई बता देता हूँ ये अलग अलग पैकेजेस दे रखे ठीक है दीज आर डिफरेंट डिफरेंट पैकेजेस तो इन पर्टिकुलर पैकेज को आप डाउनलोड करेंगे और दिस इज फ्रॉम नेशनल इंस्ट्रूमेंटेशन ठीक है देखिए मैं आपको एक बार शो कर देता हूं लैब व्यू डाउनलोड ठीक है तो लैब व्यू डाउनलोड करेंगे तो ये नेशनल इंस्ट्रूमेंट्स में ठीक है, है? यहां पे लिंक दे रखा है इस लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हैं इवन ये जो सेकेंड लिंक है सॉरी नॉट से कहा गया yes, सॉफ्टॉनिक uh, का सॉफ्टॉनिक uh, ये काफी टाइम पहले वेबसाइट uh, आई थी लेकिन अब इसकी थोड़ी सी रेटिंग डाउन हो गई है लेकिन स्टिल कई सारे सॉफ्टवेयर जो है इस पर मिल जाते हैं तो आप यहां से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं ठीक है तो ये तो था Labview का डाउनलोडिंग वाला पार्ट आ, अब मैं जो है आपको बता देता हूँ ये तो डाउनलोडिंग वाला पार्ट है तो आप डाउनलोड तो कर ही लेंगे तो मैंने डाउनलोड कर लिया है तो इसको फिर से डाउनलोड की करने की जरूरत है नहीं तो डाउनलोड करके मैंने इसका शॉर्टकट बना रखा है अब मैं आपको थोड़ा सा पांच मिनट का डिस्कशन इसका और कर लेता हूँ फिर फर्दर डिस्कशन जो है क्लास में तो कर ही सकते हैं मैंने आपको बताया था कि ये स्क्रीन है दिस इज वर्किंग स्क्रीन ओके वर्किंग स्क्रीन में ये आपका देखिए, ये दिस इज इस अब इसमें आप जैसे फाइल में गए आप क्लिक किया फाइल पे और आपने न्यू वीआई पे क्लिक किया तो ये न्यू स्क्रीन ओपन होगी ठीक है इसको एक बार क्लोज करते हैं जो जो प्रीवियस स्क्रीन खुली हुई है उसको मैं क्लोज कर देता हूँ ठीक है स्क्रीन शेयर है तो ऐसा कोई यस अब देख लीजिए आपके सामने आ गया ये इसका शॉर्टकट क्लिक करेंगे तो ये इस तरीके से ओपन होगा अब मैंने आपको बताया था कि मल्टीपल प्रोजेक्ट्स आप बना सकते हैं ठीक है थीके? बड़ा अच्छा सा लोगो है। अब इसमें क्र... आपने ठीक है क्रिएट प्रोजेक्ट में आप ब्लैंक प्रोजेक्ट पे गए आ, ब्लैंक डबल क्लिक कीजिए इस पर इसको फिनिश कर दीजिए ठीक है अब मैं आपको का इस और कर लेते हैं प्रैक्टिकली तो जब आप खुद इस पर लेकिन पहले थोड़ा प्री रिक्स होना बहुत जरूरी है थोड़ी प्रिवियस नॉलेज होना बहुत जरूरी है मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूँ देखिये अब ये स्क्रीन है इसपे आप राइट क्लिक करेंगे तो ये मल्टीपल ऑप्शन ओपन हो गए ठीक है राइट क्लिक किया अब जैसे आपने राइट क्लिक किया तो सिग्नल प्रोसेसिंग के ऊपर भी है इसमें सिग्नल प्रोसेसिंग का मॉड्यूल एबसेंट है बिकॉज uh, ये फ्री वर्जन है तो इसलिए सिगल सिग्नल प्रोसेसिंग का मॉड्यूल नहीं है लेकिन परचेज वर्जन पे जाएंगे तो सिग्नल uh, प्रोसेसिंग का मॉड्यूल भी आपको अवेलेबल रहेगा ठीक है मैं आपको जो चीजें इसमें अवेलेबल है उसका बता देता हूँ मैंने आपको पीडीएफ में बताया था ये देखिए अब पीडीएफ में मान लीजिए हम कोई ये लेना चाहते हैं इस तरीके से ये मॉड्यूल होगा कई बार आपने देखा होगा जैसे टेम्परेचर थर्मोमीटर होता है तो ये मॉड्यूल आ गया एक और मॉड्यूल लेते हैं कोई बढ़िया सा न्यूमेरिक फंक्शन ये छोड़िए बुलियन बुलियन पे दिस बुलियन, दिस इज इज एक एलईडी ले, ले लेते हैं ठीक है तो ये देखिए साहब आपकी एलईडी ये एलईडी ग्लो करके ग्रीन कलर की एलईडी ग्लो करके ये कलर आपको थोड़ा सा न्योन कलर दिखाई दे रहा होगा तो न्योन कलर की एलईडी ग्लो कर गई ठीक है अब आपको समझ में आ रहा होगा कि जो भी मेरा डिस्कशन लेक्चर में चल रहा था वो मैं आपको चीजों का एक्चुअली सॉफ्टवेयर पे दिखा रहा हूँ सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके ठीक है एक और लेते हैं एक और जिस तरीके से यस देखिए इनपुट आउटपुट वेब फॉर्म देख न, लेते हैं देखिए डिजिटल वेब फॉर्म ठीक है इसको यहाँ पे पेश कर दिया तो डिजिटल ये डेट का टाइमर सर्किट है ठीक है इसमें एम एम डी डी वाई वाई तो डेट को आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं और डेट के पैरामीटर्स को यहाँ पे जांच कर सकते हैं और जो रन वाला था और या वॉट वाला था जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा था वो यहाँ पे दे रखे ठीक है लेट्स तो, जैसे मान लीजिए ये छोड़िए मैंने एक जज पहले से टेस्ट किया था ग्राफ का ओके एक्स वाई का ये देखिए अब यहाँ पे ये ग्राफ आ गया ठीक है तो अब फाइनली अब आपको बिल्कुल एकदम दिमाग में आ, फिक्स हो गया और चीजें विजुलाइज़ कर पा रहे हैं आप तो एकदम कि बेसिकली uh, uh, ये एम्पलीट्यूड हो गया ये टाइम हो गया मींस दिस इज वर्टिकल एक्सेस दिस इज हॉरिजॉन्टल एक्सेस तो ये तो पूरी मैट्रिक्स है मतलब पीछे जो ग्रे कलर का दिखाई दे रहा है दिस इज एवोल्यूशन शीट और इसमें राइट right क्लिक करने पे सारे कंपोनेंट्स आते चले जा रहे हैं जो जो कंपोनेंट्स आपको चाहिए ठीक है तो ये डिजाइनिंग आपकी लेफ्ट व्यू में हो रही है और किसी भी पर्टिकुलर किट की या किसी भी पर्टिकुलर जो भी इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल है उनका वर्चुअल डिमोन्स्ट्रेशन और सिंथेसिस आप लेवी के थ्रू देख सकते हैं राउंड एलईडी है देखिए और मैं दिखा देता हूँ इसमें क्या क्या है एक्सप्रेस है देखिए ये न्यूमेरिकल इंडिकेटर्स है ये बड़ा स्मार्ट सा है ये देखिए इसको आप चेंज कर सकते हैं ये रीडिंग को दिखा रहा है मैं इसको राइट होल्ड करके ड्रैग कर रहा हूँ तो इसकी जो रीडिंग है फोर है फाइव है या टू पॉइंट है या थ्री पॉइंट है एक्चुअल उसकी रीडिंग को शो कर रहा है तो इस तरीके से सारे जितने भी एपरेटर्स हैं जितने भी हैं जो भी कंट्रोल है एक और जस्ट लास्ट एक और वेरिएंट लेते हैं ठीक है लेआउट का वेरिएंट लेते हैं तो लेआउट के वेरिएंट ये छोड़िए वेरिएंट है ठीक है ये टेबल का वेरिएंट है, है ये ट्री का, का है स्ट्रिंग पाथ और ग्राफ का ग्राफ के बड़े इंटरेस्टिंग है तो ग्राफ का एक और ले लेते हैं तो ये देखिए मैंने एक ग्राफ का लिया यहाँ पे टेकिंग सम देखिए आप यस देखिए आप टी में पढ़ेंगे एक ग्राफ होता है मुझे अब इसका नाम याद नहीं आ रहा बार बार चार्ट होता है एक तरीके से तो उस तरीके से न, EFT में पढ़ते हैं स्मिथ चार्ट यस सॉरी आई गॉट इट स्मिथ स्मिथ चार्ट चार्ट होता है स्मिथ चार्ट बहुत ज्यादा टफ होता है और बहुत कम लोगों को स्मिथ चार्ट के बारे में मालूम होता है और स्मिथ चार्ट पे एक्चुअल में कैसे वर्क किया जाता है इट इज वन ऑफ द वेरी टफ उसको अंडरस्टैंड करना तो ये जो आपके सामने ग्राफ ड्रॉ हो रहा है ये बेसिकली स्मिथ चार्ट का ग्राफ ड्रॉ किया जा रहा है जो कि आप ई में पढ़ेंगे तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि कि वर्चुअल इंस्ट्रूमेंटेशन में जो भी हम एनालिसिस प्रैक्टिकली पढ़ते हैं लैब में देखते हैं उन सारी एनालिसिस को हम वर्चुअल uh, इंस्ट्रूमेंटेशन के थ्रू लैब यू सॉफ्टवेयर्स के थ्रू हम प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट कर सकते हैं और उनकी सिंथेसिस सिमुलेशन और एनालिसिस को हम यहां पे देख सकते हैं सो स्टूडेंट्स दिस इज बाय शॉर्ट वीडियो अबाउट दी दी डिस्कशन ऑन दी वट यू से डिस्कशन ऑन दूट लेव यू एंड दिंकर हमने क्या डिस्कस किया लेव यू एंड टिंकर तो ये दो आपके बेसिकली वर्चुअल वी आई प्लेटफॉर्म है तो वी आई प्लेटफॉर्म है और इनके बारे में आप जो है देखिए टिंकर ओपन सोर्स है टिंकर के दो एग्जाम्पल मैंने आपको बताए एक एग्जाम्पल बताया मैंने आपको हाफ रेक्ट, हाँ वेव रेक्टिफायर का एक एग्जाम्पल बताया फुल वेव रेक्टिफायर का और लेब व्यू में अभी आपने मैंने आपने शीट्स पे कई सारी चीजें शो करी तो इन सारी चीजों को आप आ, देख सकते हैं और जो भी आपके डाउट्स हैं वो आप क्लास में पूछ पूछ सकते हैं तो आई एम स्टॉपिंग हेयर आई एम स्टॉपिंग हेयर एंड इन केस इफ यू हैव एनी जो डाउट्स है वो तो क्लास में पूछेंगे और uh, that is you can ask the doubts in the video and i'll share this video with with the youtube link and you can like like the video as well so thank you students thanks for watching the video and if any doubts you can ask in the class thank you